गाइस ट्रैफिक जब रहती है लास्ट कॉर्नर के रोड में कोई भी मत जाओ भाई, आज बहुत परेशानी दिक्कत आ गई। 113 रियाल का मुखल्फा आ गया, स्क्रीन पे डाल देता हूँ, देखो डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सऊदी अरब में, आप लोगों को ये भी मालूमात हो जाती है। अंदर भी मक्खियाँ मार रहे, कुछ भी काम नहीं है, बहुत कम काम है अभी, काम नहीं है। तो क्यों गया राइट साइड में, अरे मैं क्या खाब देखा था उधर पुलिस लगा है, मैं जा रहा हूँ मेरे रोड से आया मुखल्फा। 113 रियाल लाइट नहीं आ रहा करके, अभी देखो सऊदी अरब में आए तो इधर काम अपने कुछ करना पड़ता, उल्टा उसकी कपिल की बातें भी सुन रहा हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस वेलकम बैक टू अरब ब्लॉग्स, जो कोई भी चैनल में नया विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और मैं आज जो है सऊदी अरब में रियाद में रहता हूँ समझो, तो अभी आज उम्मल हमाम जाएंगे क्योंकि अपना गाड़ी 2012 का मॉडल है ताहू, ठीक है, चेवरलेट का गाड़ी में 10 साल हो गया तो रिन्यू करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वापस से। इस्तमारा बोलते हैं आरसी बुक को इधर पे अरबी में, इस्तमारा बोलते हैं वो। इस्तमारा रिन्यू करने के लिए जो है इधर गाड़ी पहले पूरा चेकअप कराना पड़ेगा, यानी कल ग्लास चेंज करवाया, आज आके पीछे का डोर कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक कराएंगे, इसके साथ साथ लाइट डलवाना है क्योंकि संडे या मंडे दोनों में कोई एक दिन जाके रिन्यू करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता सऊदी अरब में, आप लोगों को ये भी मालूमात हो जाती जो सऊदी अरब आना चाहता, जो अगर कफिल बताया आप लोगों को इधर जाओ उधर जाओ बोले तो उमल हमाम भेजेगा या सनैया भेजेगा, जहाँ पे उसकी पहचान रहती। इधर दो ही चीज़ है, उमल हमाम या सनैया, गदीम सनैया बोले पुराना सनैया एक है, गदीम सनैया बोले पुराना सनैया बोलते, ठीक है। तो यह है, तो अभी इंशाल्लाह जाएंगे उमल हमाम में, एक तुर्की वाला आदमी है अपना कपिल का दोस्त, उसके पास जाके इंशाल्लाह डोर का चेकअप करा के लाइट चेंज करवा के आएंगे, ठीक है। चलो आप लोगों को भी ले चलता हूँ, आपके स्क्रीन पर जो आ रहा, जो कोई भी चैनल में नया आके वॉच कर रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अभी मैं तखासुसी रोड पर हूँ अल हबीब हॉस्पिटल के पास, ठीक है। अभी निकल गई है अल हबीब हॉस्पिटल इधर पे है, तो हम लोग चलो जाएंगे। ये हो गया तखासुसी रोड, यानी सवेरे मदरसे को कफील के बच्चे को ड्रॉप करने के बाद सीधा जाके रूम पे नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद तुरंत निकल गया तखासुसी उमल हमाम। उमल हमाम बोले तो एक रिपेयर करने का एक जगह है, बस गाड़ियाँ रिपेयर होता एक एरिया है अलग, तो आप लोगों को भी मालूम हो जाता कि इधर पे कहाँ पर है करके। देखो तखासुसी सीधा जाके अल हबीब सुलेमान करके इधर पे एक हॉस्पिटल है, ठीक है, सुलेमान अल हबीब। इधर देखो कैमरा स्पीड लिमिट पर, कैमरा कहाँ छुपा के रखा बैठे, ऐसा कैमरा भी रहता एक दिखा के जाना पड़ता, रोड की जो स्पीड लिमिट होती है उस स्पीड लिमिट के जरिए रोड में गाड़ी चलाऊँ, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी लोकल रोड आ गए, अभी यहाँ से राइट लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ से अभी राइट लेंगे तो थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया था अभी, मगर वीडियो शूट नहीं किया, बीच से चालू कर रहा हूँ। अभी ये हो गया यमीन, आगे जो नज़र आ रहा वो पूरा एरिया उमल हमाम का, ठीक है। इधर पे देखो बस सारी यू टर्न करके रुका दिया, वो बस वाला जो है गाइस गाड़ी रुका दिया, क्यों, कार वाला जब तक पास नहीं होता वो यू टर्न नहीं ले सकता क्योंकि उसकी गाड़ी लंबी है ना इस वजह से। तो अभी यहाँ से जाके यू टर्न कर के वापस आना पड़ेगा उस रोड में अपोजिट से। ये देखो नया बिल्डिंग बन रहा है अभी, ये मस्त डिजाइन का बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग का नाम पता नहीं, टावर का नाम क्या है, ये अरबी में लिखा है भाई, मालूम नहीं मेरे को अरबी में क्या है, पहले तो आप लोगों को बता देता, अगर इंग्लिश में भी लिख के नहीं उधर तो पढ़ के बता देता, इंग्लिश तो आती अपने को। ये देखो इधर सीधर से लेफ्ट लिए तो मक्का रोड जाता, अब्दुल अजीज तुर्की रोड जाता, राइट लिया तो भी तुर्की रोड जाता है। देखो ये कितना खूबसूरत सा इधर ये है, देख लो यू टर्न करके अपने को जाना पड़ेगा अल मसीदी होटल करके है, इधर ये पूरा होटल है, रेस्टोरेंट है जो नज़र राइट साइड का, ये पूरा रेस्टोरेंट है। तो अपने को इसी जगह में राइट साइड में ही अभी वापस से राइट लेना पड़ेगा, सब उमल हमाम का दुकान शुरू हो जाएगा। देखो पूरा दुकान शुरू हो जाएगा यार, खाने को लेना पड़ेगा यही राइट, यहाँ से ही राइट लेंगे, ये आ गया देखो राइट, ये पूरा गाड़ियों का इलाका है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी पूरे जितने भी गाड़ियाँ हैं
हर कंपनी का गाड़ी इधर देखने के लिए मिल जाता और काम करने के लिए भी मिल जाता और काम भी कराते। तो यहाँ से अपने को ढूंढना पड़ता, दुकान यही है लगता अपना दुकान, तो यही है क्या। मालूम है भाई वो आदमी कौन, वो यासिर लास्ट वाला, वो लास्ट वाला बेटा मैं जो वैसे आ गया हम लोग, तो यही है तो दुकान का नंबर 51। तो इसको जो बैठा है अभी उठ रहा है, देखो इसको बात कराएंगे कपिल से, तो क्या है प्रॉब्लम वो बात कर लेगा दोनों। वैसे अभी वो बता रहा है कि एक दिन टाइम लगेगा क्योंकि बैक साइड का जो बम्पर है पूरा बम्पर को बाहर निकालना पड़ेगा, निकाल के डोर बंद जो नहीं हो रहा उसको ठीक करना पड़ेगा, यानी गरम में सही करना पड़ता, उससे पहले वो सही नहीं होगा करके बता रहा ये। अभी इंशाल्लाह क्या करेंगे, कफील बताया कि अभी मदरसा भी है, अभी तू चले जा, ये हफ्ते के दिन ही होगा, हफ्ता जो आता सैटरडे के दिन ही होगा, उससे पहले कभी नहीं होता, ये है बात। ठीक है चलो वापस जाएंगे, एक लाइट के बारे में पता करेंगे, लाइट गेट पता करके सीधा निकल जाएंगे सब। ठीक है तो इधर पे एक दुकान है केरला वाले का, वहाँ से पूछेंगे कितना होता क्या होता, पूछ के सीधा जाएंगे। चलो लोग देखो काम पे सवेरे सवेरे, इधर भी काम नहीं है भाई, अभी लोग जो है देखो दुकान के अंदर भी मक्खियाँ मार रहे, कुछ भी काम नहीं है, बहुत कम काम है, अभी काम नहीं है, थोड़ा बहुत चल रहा किसी किसी का चल रहा। और इधर पे देखो दुकान का नंबर रहेगा, नंबर के साथ दुकान का नाम मालूम होता बोर्ड पे, ये पूरा। ठीक है देख लो, और किराया भी बहुत महंगा है, ऐसा नहीं कि किराया महंगा नहीं है, बहुत महंगा रहता है इधर का किराया, ये है सिस्टम। क्या करें, गाड़ी का प्रॉब्लम है तो करना पड़ेगा ना। अभी सीधा जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे एक दुकान है, हेडलाइट पूछेंगे उसको कितने का होगा। आगे है बस गाड़ी, बोले तो गाड़ी का ही अलग इलाका है समझ, रिपेयर करने का, गाड़ियों का ही इलाका पूरा अलग है, और हर किस्म का आदमी यहाँ पे मिल जाएगा और हर किस्म का कार मिल जाएगा। देखो रेंज रोवर भी कार रिपेयर होने के लिए, ये है सिस्टम। यहाँ पे कहाँ है दुकान, यही है क्या दुकान, हाँ ये है। गैस चलो निकल गए, अभी क्या लिया हूँ बताता हूँ। तो जाते समय रास्ते में ये भी हो गया कि इधर पे सऊदी अरब में शादी महल यानी वेडिंग हॉल कैसे रहेगा, आप लोगों को भी ये भी बता देता हूँ, बाहर से देख लो कैसा क्या खूबसूरत दिखता और कितना पैसा रहेगा, आप लोग सोचो इंडिया का कितना पैसा लगेगा 24 घंटे के लिए, आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये देखो गैस, ये वेडिंग हॉल है, ये वेडिंग हॉल है, कितना पैसा रहेगा इसका सोचो, शादी महल है ये समझ, अंदर से बहुत खूबसूरत होगा, कोई सऊदी घूम रहा लग रहा है, सुन रहे हैं अंदर अभी गया। वो ये वेडिंग हॉल है तकासुस, उसका नाम आके गार्डिनो होटल रेसिडेंसी, ऊपर होटल है, ऊपर रूम है सब लोगों का, नीचे हॉल है समझे वेडिंग हॉल, क्योंकि मैं पहले इधर पे आया था अपने किसी घर के, ये थी शादी, यहाँ पे आया था। गाइस मैं ले लिया अभी ये फिलिप्स का एक बल्ब लेना था, ठीक है एक बल्ब भी ले लिया, बल्ब आके H11 ले लिया, इसका प्राइस आके कितना है मालूम, फिलिप्स का एक लाइट सऊदी अरब में प्राइस कितना है बोले तो 35 रियाल है, 35, 25 बोले तो 500, 600, 710 या 720 होता इंडिया का एक बल्ब मेरी गाड़ी का। अभी ले लिया सीधा निकल गया समझो, क्योंकि पीछे का बम्पर का जो काम है वो जब छुट्टी रहेगी, मदरसा जब नहीं रहेगा, जिस दिन स्कूल को छुट्टी रहेगी उस दिन आके गाड़ी का काम होता, उससे पहले दिन नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन आधा से एक दिन लग जाएगा, गाड़ी छोड़ना पड़ेगा पूरा बम्पर निकाल के पीछे से हीट करके हीटिंग मशीन से, तो उसको अंदर करना पड़ेगा, लोहा जो होता वो बाहर आ गया समझो, ऊपर होके फाइबर जो है ऊपर आ गया, इस वजह से डोर खुल रहा नहीं, यानी ओपन भी नहीं हो रहा बंद भी नहीं हो रहा, ये है प्रॉब्लम इस वजह से। ठीक है वैसे चलो हम लोग अभी तखासुसी में हैं, आप लोगों को भी ले चलता हूँ, सीधा जाएंगे ऐसे रूम पे अपनी। ये ऊपर से जो नज़र आ रहा
ये जो मेरी लड़की को कपिल की लड़की को जो मदरसा जाता हूँ वही रोड है, ठीक है, तुर्की रोड चले जाता अगर यहाँ से ऊपर ब्रिज से लेफ्ट ले लिए तो। ब्रिज के नीचे बहुत ठंडा रहता है, वहाँ आते के बाद आजकल अभी गर्मी शुरू नहीं हुई सो 42 जा रहा, 42 डिग्री, कल 43-45 तक थी कल तो धूप सऊदी में, आज पता नहीं कितने तक जाएगी, देखेंगे आज भी। ये देखो कितना खूबसूरत सागर है, ये देखो बहुत ज़बरदस्त है, बंगला जैसा। और यहाँ पे अब्दुल्ला सिटी भी आ जाएगी, वो भी आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और यहाँ पे एक गिलास में, बस गिलास में ये दुकान बना हुआ, वो भी बता देता हूँ, आगे स्टारबक्स है वहाँ पे बना हुआ। ये देखो एक डिज़ाइन बनाया गया शो के लिए, ये रास्ते में अच्छा लगता करके डिज़ाइन ये बनाया गया। गैस ये जो बम्पर जो पीछे का, ये मेरी ही गाड़ी है, जो सामने जो नज़र आ रहा है उसकी और मेरी गाड़ी दोनों एक ही मॉडल है, ठीक है। ये पीछे का जो बम्पर है ना, बम्पर जो डोर ओपन भी नहीं हो रहा, बंद भी नहीं हो रहा, क्यों बोले तो ये बम्पर को लग गया मार, इस वजह से प्रॉब्लम है अपनी गाड़ी में। तो थोड़ा आगे जाके बताता गिरे गिरे ठीक है। ये बम्पर ये देख लो गैस, यही है खाली गिलास में बना हुआ बिल्डिंग है अल सलमान करके, मतलब थोड़ा ये है ग्रेनाइट से बना, थोड़ा ये बना है ऐसा सिस्टम बना गया। अभी देखो यहाँ से पूरा किंग अब्दुल्ला सिटी चालू हो जाता अपना रियाद का, यहाँ से पूरा किंग अब्दुल्ला सिटी चालू हो जाता। थोड़ा बहुत कैमरा घुमा लेंगे आप लोग क्लीन से नज़र आ जाएगा ये। अभी लोग देखो राइट जाएंगे पूरा, ये GMC वाला भी राइट जाएगा लगता, राइट जाने वाले लोग लेफ्ट में आके रुके। देखो गाइस ना इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर भी दिया ना ऐसा ही का, कैमरा भी है देखो इधर ऊपर मारा तो मुगलफा आता उसको क्लीन से। इधर क्या खतरनाक बिल्डिंग बना, ये कोई लड़की देखो क्या खतरनाक है इसकी माँ, क्या गाड़ी। और इस रोड में बहुत ही ये है भाई, 90 का रोड आधा है आधा 80 का रोड है, ये भी है गए इधर है सऊदी अरब में, आधा रोड 80 का भी रहता आधा रोड 90 का भी रहता, आधा रोड 100 का रहता आधा रोड 120 का रहता। ये कभी भी बोर्ड देख के गाड़ी चलाओ, क्योंकि जब 100 का रहता जब 120 में हम लोग जाते रहते 120 का रोड पकड़ के 120 में हाई करके, क्योंकि अपने को 120 दिखाते रहते ना, तो इसीलिए आगे से 100 का रहता मालूम नहीं रहता, क्योंकि हम लोग बोर्ड देख के नहीं भूल जाते गाड़ी चलाते चलाते, तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रख के चलाओ गाड़ी। किंग अब्दुल्ला सिटी हो गया अपना रियाद का, ये पूरा किंग अब्दुल्ला सिटी है। जितना समझते लोग इंडिया पाकिस्तान किधर से भी जो समझते, उतना आसान नहीं है जो सऊदी में गाड़ी चलाना, कार जो चलाते ना, तो इधर पहले रूल्स फॉलो करो, इधर का रोड के ऊपर भी ध्यान रहो, मोबाइल पे ध्यान रहो, बहुत परेशानी है, इसीलिए देख दिखा के सोच समझ के इधर आओ, ठीक है गाइस। चलो मैं अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब भी अपना ड्यूटी लगेगा कहाँ पे जाएंगे लोग पता नहीं है, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। चलो अभी जा रहा हूँ, मैं रूम पे आ गया, पास में छू रूम पे जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, उतने में मदरसे का टाइम हो जाएगा तो लड़के को लेके आ गया, शाम में जब ड्यूटी जो भी आता आप लोगों को अपडेट देता हूँ, ठीक है। मदरसे का ड्यूटी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों बोले तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को डेली मदरसे में, ठीक है। चलो गाइस वलिया स्ट्रीट पे आ गया, हो गया, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। चैनल में जो कोई भी नया आके वॉच कर रहा भाई अरब ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। बैक टू वीडियो गाइस, अभी देखो निकला था एग्जिट नंबर 14 को, मैडम को लेके निकला था उसके बाप के घर के लिए एग्जिट नंबर 14 में, आते समय क्या हो गया गाइस ये ध्यान में रख के चलो। राइट साइड का जो कॉर्नर रोड होता है डायरी में जो कोई भी आता, अभी मुखलफा भी आ गया भाई, इसकी माँ क्या मुखलफा भी आ गया, 113 रियाल फाइन आ गया। अभी उधर फोटो मारा, फोटो मारते के बाद तुरंत मेरे को मैसेज भी आ गया, 150 रियाल का फाइन मारा, 25% कट करके अभी माइनस हो रहा, जो भी मुखलफा था 25% माफ है, 25% माफ करके 113 रियाल डाल दिया। कफिल पूछ रहा मेरे को फोन लगा के अभी तू क्यों गया राइट साइड में, अरे मैं क्या खाप देखा था उधर पुलिस लगा रहा है, मैं जा रहा हूँ मेरे रोड में। गाइस ट्रैफिक जब रहती लास्ट कॉर्नर के रोड में कोई भी मत जाओ भाई, आज बहुत परेशानी दिक्कत आ गई। 113 रियाल का मुखलफा आ गया, स्क्रीन पे डाल देता हूँ देखो देख लो, 113 रियाल आज फाइन आ गया, ये एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई आज। अभी आया इधर अशरफ से फोन किया, अशरफ के थोड़ा कफिल से बात करने जाना, अशरफ के पास जा रहा हूँ समझो। ये तो क्या हो गया, परसों पिछला रमजान में एक मुखलफा आया था,
100 रियाल का, जब क्या था 50% माफ था, समझो आधे को आधा ही बनना था पहले। किसके लिए आधे को आधा बनना था बोले तो माफ किए थे रमजान के लिए करके, 100 रियाल आया था, 100 रियाल में 50 रियाल माफ, 50 रियाल में अब तक नहीं भरा, 50 रियाल अभी तक ऐसा ही है। इस महीना क्या करना, दो भी भरना पड़ेगा, 150 रियाल प्लस 163 रियाल आता मेरे को, वो भरना पड़ेगा। ये बार भर देंगे, इस बार किसी भी कीमत में भर देंगे, नहीं भरे तो मुश्किल हो जाता, लेट हो जाएगा बाद में, पूरा डबल हो जाएगा मुखलपा अगर नहीं भरे तो, समझो इसीलिए भरना पड़ेगा। आप लोगों को बताता हूँ देखो कैसे मैं, मेरा मुखलपा है आप लोगों को ये भी बताता हूँ। ये देखो गाइस, ऐसा रोड था, डायरी हाईवे रोड है ना, फॉर एग्जांपल हाईवे रोड में क्या है, ऐसा लास्ट कॉर्नर पे, मतलब अभी मैं जाके बताता हूँ, देखो कॉर्नर से नहीं जा सकते क्योंकि कॉर्नर पे गए तो लाइन रहेगा। देखो ये व्हाइट जो नजर आ रहा ना, लाइन नजर नहीं आ रहा इधर पे, आगे बताता हूँ, आप लोग देखते रहो। जो कोई भी चैनल में नया आके वॉच कर रहा है भाई, आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है अरब ब्लॉग्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। थोड़ा अशरफ के पास भी जाके थोड़ा अभी लाइट भी लेके आ, सुबेश लिया ना तो लाइट भी चेंज कर लेंगे करके, लाइट भी चेंज कर देता हूँ अशरफ के पास जाके, इसके साथ साथ वापस से ये भी कर लेता हूँ, समझो। आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे मुकलपा फाइन आता, आया तो भी फाइन कैसे आता है इधर पे। देखो अभी ऐसा ही हुआ, मैं क्या हुआ, ऐसा रोड था इधर पे, ऐसा रोड था, ये रोड से लोकल रोड में था मैं, अभी जाके बताता हूँ। देखो गाइस ये लोकल रोड हो गया, लोकल रोड से हाईवे जाने के लिए क्या हुआ, देखो अभी बाहर निकल रहा हूँ, बाहर ऐसा निकल के क्या किया, ये पट्टा जो नजर आ रहा व्हाइट का येलो, हाईवे में क्या है थोड़ा इस साइड रहता, बाजू में रहता, वो नहीं जा सकते, ओवरटेक किया करके फाइन मार दिया, समझो। थोड़ा जो कोई भी सऊदी में आ रहे भाई, गाड़ी चला रहे, देख दिखा के चलाओ, पुलिस वाले उधर उधर रुक के अभी हर गाड़ी पकड़ रहे, देख देख के मेरे सामने चे ना, मैं उधर ही रुका हूँ और एक पुलिस वाला उधर ही रुके है ना, तकरीबन 5-6 गाड़ी पकड़ लिया, 5-6 गाड़ी पकड़ के डाल दिया, उसको भी मुखलफा मारा भी। ये गाइस थोड़ा देख दिखा के चलाओ, आराम से चलाओ भाई, चलो हम लोग जाएंगे ऐसा आगे जाके यूटर्न करके आएंगे। देखो गाइस अभी पास में हूँ अशरफ के रूम के पास में, ये जो लाइन जो नज़र आ रहा बाजू में राइट साइड में वाइट लाइन है, ये लाइन के ऊपर अगर टायर चढ़ गई ना, इस चीज़ के लिए भी फाइन है, उस वो लाइन के उस पार भी थोड़ा भी नहीं रहना टायर को कार का, नहीं तो उस चीज़ के लिए 150 रियाल फाइन। इनके मूड के हिसाब से पुलिस वाले लोग है ना फाइन डालते, समझो कभी कभार 300 डाल देते हैं, पहले मेरे को 300 आया था ऐसा ही करने में, मतलब कि उस टाइम पे मेरा गलती नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि कैमरा कब लगाइएगा, जो गया तो अभी कार वाला इसके लिए फाइन है, ऐसा जा नहीं सकते, ठीक है। यह है देखो, ऐसा रुक के आराम से जाओ भाई, मुश्किल नहीं है, तो फालतू में पैसा देना अच्छा नहीं लगता। अभी जो अच्छा मूड था उसका, यश पी जी करके पूछ रहा वो, अंत माफी शोफ करा लला अंत गलतान करके पूछ रहा, तो वो मतलब के तू गलत है देखा नहीं क्या करके बोल रहा ला, मालिश करके मैं बोल दिया उसको, माफ कर ले बोल दिया, मालिश बोले तो माफ कर ले करके, ठीक है, मालिश आना माफी शुफ आना गलतान, मालिश करके बोल दिया मैं गलत हूँ, ठीक है मुश्किल नहीं माफ कर ले, आइंदा और एक बार नहीं आता ना, माफी जितानी मर रहा सेम ही ना करके बोल दिया, मतलब ऐसा वापस नहीं आता करके बोल के माफ करके बोल दिया। उसका मूड थोड़ा बहुत रहम आया कि क्या है कि भाई 150 रियाल डाला रहम, वो 150 रियाल भी इंडियन करेंसी बहुत पैसा लगता भाई, 100 रियाल भी 2200 लग जाता है, 113 रियाल प्लस 50 रियाल पहले का है, 163 रियाल भरना पड़ेगा अभी, ये है गाइस, ठीक है। अभी क्या करें, भरना तो भरना चाहे, ये महीने में भरना पड़ेगा, लास्ट में भर देंगे, अभी क्या कर, कुछ नहीं कर सकते। मैं आ गया अशरफ से भी मिलाता हूँ, चलो। देखो गाइस आए अभी ये दोनों इधर दिख रहे हैं, हमारा टकलू और अशरफ, हाँ ये देखो खुद का गाड़ी, नया बिजनेस चालू करके है अपना सुल्तान ने, ये गाड़ी चला रहा देखो जायज़ में हंगर में गाड़ी चला रहा भाई, खुद का गाड़ी लेके बाहर काम कर रहा, ऐसा ही अपना भी काम है इस गाड़ी के ज़रिए, इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो हो सकता, देखेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करके निकलेंगे, देखते रहो। ऐसा अभी जो है देखो हमारे एक नए दोस्त को मिला तो, यासीन करके इनका नाम, मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो अभी हम लोग आए थे देखो अभी खाना खा रहे, यानी रोटी तमीज़ और ये, तो क्या हो गया अशरफ से निकला था ना, आप लोगों को बताया बातचीत गचीत हुई, निकल गया है, छोड़ता नहीं आदमी, ये बहुत अच्छा इंसान है देखो, आए बहुत ये करता आदमी, अमीर की बात चल रही समझो, अरे अमीर तेरी बात करे कहते आया फोन करने बोला भी नहीं तो क्या गाइस, चलो हम लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं, खाई के मिलता हूँ आप लोगों को, बात करता हूँ, खान साहब भी है, खान साहब को भी मिलाता हूँ। पहली मुसीबत ये लाइट की वजह से आया मुखलपा, 113 रियाल लाइट नहीं आ रहा करके,
अभी देखो गाइस सऊदी अरब में आए तो इधर काम अपने को ही करना पड़ता, उल्टा उसकी कपिल की बातें भी सुन रहा, फोन लगा के बोल रहा तू क्यों चेंज नहीं किया, गाड़ी तेरी, बीवी तेरी, बच्चे तेरे, ये लोग पागल है गाइस, क्या करे बोलो। आप लोग देखो जो कोई भी सऊदी अरब आना चाहता सब कुछ अब अपने को गाड़ी दे देता, पूरा हम लोग ही कर लेना पड़ता। अभी देखो ये लाइट खुद मैं चेंज किया, देखो हमारे यासिन भाई कैमरा मैन आज वो पकड़ रहे, दूर खड़े के बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलो वाह गाइस बैक टू वीडियो, जाके सोने चले गया था समझो, मैडम को लेके आया, अभी बज रहा एक बज रहा रात के, तो कमल जो है अपनी कंबल अपनी वॉशिंग के लिए दे दिया था लॉन्ड्री में, तो इसीलिए इधर आया था मुस्लिम के पास से, दोस्त के पास से, मुस्लिम से लेके जा रहा हूँ समझो। आज कितना काम हुआ देखो गाइस, क्या क्या हुआ मेरे साथ, बगैर स्किप करे वॉच करो, और जो कोई भी चैनल में नया है भाई मेरे लिए सपोर्ट करो चैनल को, जो कोई भी नया विजिट किया अरब ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। रात में देखो कोई एक बच्चा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ अपनी रूम पे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। शर्ट भी चेंज कर लिया, सो गया था आके, सोने चले गया था, जल्दी जाके शर्ट चेंज करके वीडियो एंड नहीं किया करके वापस आया, तो चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट गाड़ी का काम क्या होगा कल नेक्स्ट मिलेंगे, तो एक 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 काम करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी पासिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा, गाड़ी फास्ट बोलते इधर, ठीक है गाइस। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल नए व्लॉग से, मां सलामत, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।